हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स चित्रांश में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आज हम आए हैं द्वेकर, जहां आपको सेकंड हैंड बाइक साथ ही एक सुमो गाड़ी है वो भी दिखाने वाले हैं, और जो आपने कभी सुना नहीं होगा साइकिल है सेकंड हैंड मिलने वाली है वो भी कम प्राइस में, साथ ही स्पोर्ट बाइक है। तो चलो हम ओनर भैया से बात करेंगे और साथ ही ये पूछेंगे कि यहाँ फाइनेंस होता है और किस मार्जिन में है, यहाँ कितना किलोमीटर चला हुआ है, कहाँ की गाड़ी है, सभी पता करेंगे। चलो ओनर भैया से बात करते हैं। और ये दुकान का नाम है श्रीराम ऑटो डील करके, देवकर में ही है। तो चलो भैया एड्रेस भी बता देंगे, तो चलो लेके चलते हैं। भैया आपका नाम क्या है? आशीष पटेल। जय राम जी की। पहले तो जय राम जी की। हाँ आशीष पटेल। हाँ, तो ये शॉप कब से आपका? मेरा लगभग 15 साल से। 15 साल से। और ये एड्रेस क्या है? देवकर ग्रामीण बैंक के अपोजिट साइड, वार्ड नंबर 3। ग्रामीण बैंक पहले था यहाँ पे, जो सब थोड़ा आगे हो गया है, बस स्टैंड से लगा हुआ है, धमदा से 9 किलोमीटर ये उत्तर दिशा में। और ये कब, मतलब ये जो है दुकान है पहले कहीं और था कि यहीं है? नहीं, शुरुआत से यही है। शुरुआत से यही है। अच्छा, तो आप यहाँ गाड़ी कौन कौन सी मिलती है? मेरे पास सभी कंपनी की गाड़ी, कम से कम चली और बहुत अच्छे कंडीशन की। जितना भी मार्केट के लोग गाड़ी नया लेना चाहते हैं वो लोग भी आके मेरे पास से गाड़ी पुरानी ले जाते हैं, कारण कि बिल्कुल नए के कंडीशन में रहता है मेरे पास, और सभी कंपनी का रखता हूँ। अच्छा अच्छा। और कई बार ऐसा भी है जैसे गाड़ी पसंद नहीं किया आदमी, तो एक महीने के अंदर वापस कर सकता है लाके। अच्छा, 1000 रुपये का शुल्क रहता है वो उसको देना रहता है। अच्छा, एक महीना पूरा चलाने के बाद भी गाड़ी किसी भी कीमत का हो। अच्छा, वो वापस भी कर सकता है। वापस कर। हाँ, गाड़ी ऐसा नहीं कि ले लिया है तो उसको पसंद नहीं आ रही है या घर वालों को पसंद नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में वो वापस भी। पहली बार देखा हूँ जो अभी तक सेकंड हैंड, जो मैं यहाँ देखा हूँ अभी तक कहीं नहीं देखा था। होता क्या है, ग्रामीण अंचल है, गरीब लोगों को मन में रहता है कि बच्चे लोगों को साइकिल देना है, लेकिन 5000-6000 का रेट सुन के उनको लगता है यार इतना महंगा कैसे लेंगे। अब वो क्या है, 1800 रुपये, 2000 रुपये, 1600 रुपये, 1200 रुपये का, तो उस कंडीशन में वो ले भी लेते हैं, और बेस्ट कंडीशन रहता है तो वो चला भी लेते हैं, फिर कुछ दिन में वो बेच भी देते हैं, तो उनको नुकसान ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे लोगों के लिए ऐसा है, रिक्वायरमेंट थोड़े दिन में बदलते जाता है, इसीलिए अच्छा स्कोप है। यही मेरे को सबसे अच्छा लगा कि पल्सर है, 2015 की मॉडल है ये, 25000 चली है, यही जो पुल का काम कर रहे हैं इंजीनियर की गाड़ी है। अच्छा, इंजीनियर की। और मेन चीज़, अच्छा चीज़ इसमें है कि ये सीजी में बेमेतरा पासिंग की, जहाँ हम जिस जिले में हैं ये इसी जिले की गाड़ी है। कितना किलोमीटर चला हुआ है ये? 25000 चला है। और इसका रेट जो है 38000 रुपये है। 38000। कंडीशन बिल्कुल अच्छा। मॉडल कौन सा बोले थे? 2015 का है। इसमें इंश्योरेंस वगैरह है? इंश्योरेंस जैसे कस्टमर लेता है तो तुरंत उसको बीमा और नाम ट्रांसफर की सुविधा हम हमारे तरफ से करके देते हैं। करा के देते हैं। पेपर वर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट रहता है, और लेने वाले को और बेचने वाले को दोनों को किसी भी प्रकार का अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है। हाँ, कभी भी हम किसी को परेशानी हो ऐसा कोई काम नहीं करते। तो चलो, ये सेकंड गाड़ी, ये कौन सा है? ये 2017 का ग्लैमर है, और ये आशीष भल्ला जी की गाड़ी है, मैनेजर हैं वो होंडा शोरूम में भिलाई में। और ये 7800 किलोमीटर चली है बस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर चला है। अच्छा, ऑफिस मतलब ऑफिस वाले की गाड़ी है। हाँ, तो वो 2017 का मॉडल जरूर है, लेकिन BS4 इंजन है, और सिर्फ 7800 किलोमीटर चली है। और ये है 50000 रुपये। 50000। नया का रेट 80-88 के लगभग जा रहा है। 2017 का। 2017 मॉडल। 2017। बाकी कंडीशन पूरा ओके? बहुत अच्छा है, जो कंपनी से टायर लगे के आते हैं वो। अच्छा, एक बार टायर वगैरह भी देख लेते हैं। कंडीशन तो वाकई में पूरी ओके लग रही है। हाँ, पासिंग दुर्ग की। पासिंग दुर्ग है ना? i3s है ना? BS4 है। अच्छा अच्छा। तो इसके भाई ये है एक्टिवा। ये एक्टिवा 2012 की है, रायपुर की गाड़ी है ये। अच्छा। और इसका रेट है 18000 रुपये। 18000। 18000। कितना किलोमीटर चला हुआ है ये? 38000। 38000। ये ओनर फर्स्ट ओनर है? नहीं, ये थर्ड ओनर है। थर्ड ओनर। और ये फर्स्ट ही ओनर, अभी सेकंड हुआ नहीं, अब होगा सेकंड। और वो वाली? ये सेकंड हो चुका है, अब जो जाएगा थर्ड पे जाएगा। अच्छा, थर्ड पे जाएगा। चलो, ये प्लेजर, ये 2009 की है। हाँ, हीरो की गाड़ी का उतना हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये मात्र 9000 रुपये की। 9000। मॉडल भी 2009 का है, और रेट भी 9000। किलोमीटर कितना चला? ये लगभग 40000 किलोमीटर चला है। ये दुर्ग की है ना? दुर्ग। हाँ, दुर्ग की है गाड़ी। अच्छा, तो ये आगे ये डिस्कवर है? ये 2014 की है, लेकिन गांव में एक आदमी अपने कोठार भी आराम रखा था। कंडीशन बहुत ऐसा है कि आदमी को लेने के बाद 7-8000 खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए इस गाड़ी का रेट मात्र 6000 रुपये। कागज वगैरह सब कंप्लीट है, कंप्लीट है, ले आ सकता है जिसको भी लगता है कि मेरे को गाड़ी को सजा सकता हूँ। हाँ, यहीं की गाड़ी है।
क्या है, उसको पैसे की जरूरत थी, खेत किसान का काम करते हैं, ले तो लेते हैं गाड़ी, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, शौक पूरा हो गया उसके बाद फिर एक कोने में डले रहने दो घर। तो कितना किलोमीटर चला होगा ये? लगभग 30,000 किलोमीटर चला, मतलब ज़्यादा नहीं चली हुई है, ओनली 6,000 है। मेन चीज़ है कि वो बिहारे में कोठार में खड़े रहने की वजह से उस कंडीशन उसका थोड़ा सा ये हो गया। हाँ तो ये अब साइकिल का बता दीजिए। साइकिल जो है सब आधे आधे रेट का है, मार्केट में जो साइकिल 6,000-7,000 रुपये का मिलता है, जैसे A1 का साइकिल इसका 6,500-6,600 का रेट है, जस्ट हाफ, तो 3,000-3,200 के रेट में एकदम अच्छे कंडीशन में, टायर वायर दोनों नए, ब्रेक व्रेक और चलने में एकदम स्मूथ, मतलब अगर कुछ वर्क भी रहता है तो साइकिल लेने के बाद हम उसको करा देते हैं, कस्टमर को लेने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और वो दो साइकिल है, हाँ वो भी दोनों आधे आधे रेट के, जैसे 5,200 रुपये का है, वो लगभग 2,400 रुपये का पड़ेगा A1 का डबल साइकिल, और उसके जस्ट उस पर जो हीरो का है वो मात्र 1,600 रुपये का है, जो कि 3,400-3,500 रुपये का नया है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर शोरूम में जैसे जाते हैं साइकिल, वो महंगा ही रहता है, तो आपके पास कम ही लग रहा है? हाँ, रेट कम का पीछे रीज़न मैं बताया कि गांव देहात में आदमी लोगों को चाहिए कम बजट में, कि बच्चे के शौक भी पूरा हो जाए और जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको बेच दें तो हमारा पैसा भी ज़्यादा नुकसान मत हो। और जैसे कि कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलता है? हाँ, जैसे अगर ग्रामीण अंचल के आदमी आ गए और किसान है करके पता चलता है तो गाड़ियों में 1,500 का हम वैसे डिस्काउंट कर देते हैं, और कंडीशन जैसे कोई बताता है कि हमारे पास थोड़े बहुत पैसे कम भी हैं करके, तो उस कंडीशन में जैसे लोकल वो हुआ तो उसका बेनिफिट हम उसको देते हैं। तो चलो अब एक बड़ी गाड़ी है वो देखिए वाला, ये टाटा सुमो ग्रैंडी है, ग्रैंडी हाँ 2009 का है, और कंडीशन वाइज बहुत ही बेस्ट है, लग्जरी गाड़ी है। टाटा सुमो ने इसको थोड़ा सा अपडेटेड करते हुए टाटा सुमो ग्रैंडी बनाई, हाँ पावर स्टेयरिंग पावर ब्रेक है, एवरेज भी बहुत बेहतरीन है, 14 कंपनी बोलती है 10-12 देते ही है, रफ़ एंड टफ है, गांव देहात में चलने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, सीजन चालू हो जाता है तो दूल्हा गाड़ी के लिए और बुकिंग के लिए भी बहुत बेस्ट है। ये कितना किलोमीटर चला हुआ? ये किलोमीटर चला है 190, 1,90,000 किलोमीटर। 90,000 ये फर्स्ट ऑनर था, अभी मेरे पास आया है, तो अब जब लेगा सामने वाला तो सेकंड ऑनर बनेगा। किलोमीटर कितना? 1,90,000। इसका प्राइस क्या है? इसका रेट है 2,30,000 रुपये। 2,30,000। इसमें इंश्योरेंस है? हाँ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है। अच्छा, और ये गाड़ी कहाँ की है? ये गाड़ी है यहीं पास के गांव की है। गांव की नहीं, पासिंग कहाँ की? ये 04 रायपुर पासिंग। अच्छा, चलो तो गाड़ी एक बार देख लेते हैं कंडीशन क्या है। तो कंडीशन तो पूरा ओके लग रहा है, अंदर का भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए लाइट वगैरह, अंदर का भी पूरा देख लेते हैं। देखिए पूरा कंप्लीट ओके है। ये देखिए स्टेयरिंग वगैरह, अच्छा JBL का साउंड सिस्टम भी है। अच्छा भी देख लेते हैं, ये तो लॉक है, उस साइड से देख लेते हैं। चलो टायर वायर पूरा कंडीशन ओके है, ट्यूबलेस टायर लगे हैं, ट्यूबलेस टायर है ना, देखिए ट्यूबलेस टायर है। तो आगे चलो, आगे देखते हैं ये वाला पीछे का। तो ये पीछे का है, ये देखिए ये है रायपुर की गाड़ी है, हमने जैसे बताया आपको, और ये अंदर का देखते हैं एक बार। ये देखिए जैसे कि भैया ने बताया JBL साउंड सिस्टम लगा हुआ है, ये साउंड भी देख लेते हैं। ये देखिए पूरा एकदम ओके है गाड़ी, ऐसे देखिए पूरा। तो लगभग गाड़ी तो अब उस साइड से भी अंदर का देख लेते हैं, बीच का ये वाली भी टायर देख लेते हैं, ट्यूबलेस टायर है, टायर तो पूरा न्यू है। ये देखिए गाड़ी तो अब लगभग हमने देख ही लिया है, तो चलो अब थोड़ा भैया से और बात कर लेते हैं। ये टाटा सुमो स्पेशियो गोल्ड, स्पेशियो गोल्ड, स्पेशियो गोल्ड, जैसा इसका नाम है वैसे ये लॉयबल गाड़ी है, मतलब ये नाम से ही जितना आदमी इस पर भरोसा करता है, गांव देहात के साथ साथ सिटी में भी बहुत लोग, बुलेरो की टक्कर की गाड़ी है, महिंद्रा बुलेरो की टक्कर की गाड़ी है, स्पेशियो गोल्ड एवरेज, और DI इंजन जो है इसमें 4 चांद लगाता है। तो ये मॉडल कौन सा वाला? ये 2007 का मॉडल है, 2007 मॉडल, हाँ, और गाड़ी का जो रेट है 1,40,000 रुपये। 1,40,000। और ये कितना किलोमीटर चल रहा है? ये 2,30,000। ये फोर्थ ऑनर है, फोर्थ नंबर का, थर्ड खत्म, थर्ड खत्म है, फोर्थ ऑनर, जनरली सेकंड बोलते हैं थर्ड बोलते हैं, लेकिन इसके जो 3 पहले ले चुके थे ये बिकेगी तो चौथे के पास जाए। कितना प्राइस कितना बोले एक बार? ये है
130,000 ओनली एक लाख। डिस्काउंट होगा ना आने के बाद? डिस्काउंट होगा। अच्छा, तो एक बार गाड़ी भी देख लेते हैं पूरा। गाड़ी कहाँ की है अभी? दुर्ग पासिंग है। दुर्ग पासिंग है। गाड़ी दुर्ग पासिंग। तो चलो गाड़ी को एक बार राउंड करके देख लेते हैं। ये देखते हैं गाड़ी का अंदर पूरा स्टेयरिंग वगैरह। स्टेयरिंग नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल स्टेयरिंग है ना, नॉर्मल स्टेयरिंग है दो, क्योंकि 2007 की मॉडल है। पावर स्टेयरिंग उस टाइम आते नहीं, आते थे कुछ कुछ गाड़ियों में। हाँ, जो इससे ऊपर के वर्जन थे। हाँ, कारों में दे रहा था। तो ये देखिए गाड़ी का पूरा कंप्लीट है, देख लेते हैं एक बार। चलो टायर भी देख लेते हैं। टायर 40-50% के आसपास है। ये देखते हैं पूरा राउंड करके। ये देखिए पीछे दिया है स्टेफनी, स्टेफनी भी दिया हुआ है। 0CG07 दुर्ग की गाड़ी है। 2538 नंबर है गाड़ी का। ये वाली भी टायर देख लेते हैं यहाँ से। अच्छा, तो गाड़ी चलो हमने लगभग देख लिया है। तो भैया और कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आदमी को लगता है कि भरोसेमंद अगर गाड़ी और भरोसेमंद आदमी जो गाड़ी ख़रीदने के बाद भी इतना बिंदास रहे कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ला के छोड़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति आके यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और गाड़ी में अगर लगता है कि गाड़ी थोड़ी सी भी उनको प्रॉब्लम वाली है, रेट में कुछ गलत है, तो वो रिटर्न भी कर सकते हैं, जिसकी पॉलिसी मैं बताया हूँ 1 महीने में वो कर सकते हैं। और इसका 1,000 रुपये शुल्क है, जो एकदम मैंने यूज़ करके अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो रिटर्न कर, हाँ, कर सकते हैं। हाँ। और इसमें ये सभी के लिए है, कैसे चुनिंदा ग्राहक के लिए है या कोई चुनिंदा गाड़ी के लिए। हाँ। है ऐसा नहीं है। 10,000 से लेके अगर वो 80,000 1,00,000 रुपये की भी गाड़ी खरीदता। हाँ। है तो उसमें भी ये जो है पॉलिसी फुल बेनिफिट दे रहे हो जो कस्टमर आएंगे। हाँ, साथ ही भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार और बता दीजिए। हाँ, यहाँ का एड्रेस है ग्रामीण बैंक के सामने अपोजिट श्रीराम ऑटो डील। हाँ। रोमी कॉम्प्लेक्स है ये, और वार्ड नंबर 3 है। वार्ड नंबर 3। अच्छा, तो भैया ने सभी एड्रेस पता सभी बता दिया है। आप कुछ सब्सक्राइबर को बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलना चाहूँगा कि आदमी जब भी कहीं से गाड़ी खरीदना चाह रहा है, पहले 4 जगह पता कर ले, मॉडल के हिसाब से, रेट के हिसाब से गाड़ी जब तक वो चेक करना है चला ले, उसके बाद एक आध बार किसी मिस्त्री से दिखा ले, तभी गाड़ी खरीदे। क्योंकि आजकल करते क्या हैं, गाड़ियों पे कलर पेंट कर देते हैं और गाड़ी का कागज़ आज दे रहे हैं कल दे रहे हैं करके गाड़ी को ज़्यादा रेट में बेच देते हैं, बताते हैं मॉडल ज़्यादा का और बाद में पता चलता है कि मॉडल वो कम का है। इसीलिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि ग्राहक थोड़ा विवेक से काम ले, नहीं है अगर जानकारी तो किसी जानकार को साथ में ले जाएँ और वो जाके जब चेक कर लें और जब पूरी तरीके से सर्टिफाइड हो जाएँ कि हाँ कि हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं, तभी गाड़ी खरीदें। ये नहीं कि मेरे पास ही, सबके पास ये चीज़ को वो करें। तो भैया बोल ही चुके हैं, और साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। भैया के शॉप में आइए लेने के लिए, एड्रेस तो पता चल ही गया है। तो भैया आप सब्सक्राइबर को कुछ बोलेंगे, हमारे चैनल वाले फैमिली है जो फैमिली मेम्बर? हाँ बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इतना अच्छा चैनल है, सब सब्सक्राइब करो और इस चैनल में जितने भी वीडियोज़ हैं आप सब देखें, क्योंकि सभी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया चीज़ जानने मिलेगा, देखने मिलेगा, और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो तब अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।